हे गाइस, आज की वीडियो में देखेंगे एमएस वर्ड का की शॉर्टकट की सेकंड पार्ट, जो कि हमने दो भागों में बनाया है। इस वीडियो में एमएस वर्ड का की शॉर्टकट ए टू जेड आपको देखने को मिलेगा, जिसे सीखकर आप अपने वर्ड को स्मूथ और फास्ट बना सकते हैं। सो गाइस, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं लर्न विद श्वेता। अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एमएस वर्ड का सेकंड पार्ट वीडियो, जिसमें आपको देखने को मिलेगा ए टू जेड शॉर्टकट की। तो गाइस, सबसे पहले हम एमएस वर्ड को ओपन करते हैं और हमें यहाँ पे मतलब कुछ भी प्रैक्टिकल करने के लिए जो भी हमारा शॉर्टकट है उसको यहाँ पे एग्जांपल के साथ बनाने के लिए यहाँ पे हमें कुछ पैराग्राफ इंसर्ट करना पड़ेगा। तो अगर आपने मेरे इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने यहाँ पे रेंड का जो हमारा शॉर्टकट है उसको यूज करके पैराग्राफ इंसर्ट करा था। तो चलिए, अगर आपने नहीं देखा है, आपको याद नहीं है, तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा से आपको करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हमें एक पैराग्राफ इंसर्ट करना है जिसमें हम ये जो हमारा जो भी शॉर्टकट है इसको हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ इक्वल प्रेस करना है और यहाँ पे हमें लिखना है रेंड देन ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज देन फिर हम इंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक ऑटोमेटिक पैराग्राफ इंसर्ट हो गया है और इसमें हम अपना जो शॉर्टकट है उसको इसमें हम प्रैक्टिस करके देखेंगे। तो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने मतलब जे तक करा था, तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं कंट्रोल प्लस के से। ओके, जो है इंसर्ट हाइपरलिंक। ओके, तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे कंट्रोल प्लस के क्लिक करना है कीबोर्ड से और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स खुल गया है जिसका नाम है इंसर्ट हाइपरलिंक। इससे ये होता है कि अपना जो ये जो पेज है इसको हम किसी भी लिंक मतलब किसी भी चीज़ से उसको लिंक कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको करके देखते हैं। तो उसके लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। देन यहाँ हमें एड्रेस बोल रहा है कि लिखने के लिए कि मतलब आप किस चीज़ के साथ ये जो पेज है उसको लिंक करना चाहते हैं। तो चलिए मान लिया जाए हम करेंगे यहाँ पे www.youtube.com से करते हैं। ओके, देन हम यहाँ पे ओके कर देंगे। तो आप देख पा रहे हैं ये जो हमारा हमने जो ऑटोमेटिक पैराग्राफ यहाँ इंसर्ट किया था वो हमने लिंक कर दिया है यूट्यूब पेज से, ठीक है। तो अगर आप इसको ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा शो हो रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक, तो हमें कंट्रोल प्रेस करना है कीबोर्ड से और ये जो लाइन है इसको क्लिक करना है। ओके गाइस, तो अगर आपका सिस्टम में जो इंटरनेट कनेक्शन है वो रहता है तो वो आपका ओपन हो जाएगा, और मेरे में ये इंटरनेट अभी कनेक्ट नहीं है इसीलिए ये ओपन नहीं हुआ। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। और देन गाइस, जो हमारा नेक्स्ट है वो है हम जाते हैं कंट्रोल प्लस एल। ओके, तो इसको चलिए ये इसका काम हो गया, इसको कर देते हैं रिमूव, ठीक है गाइस। आप एक बार अपना जो सिस्टम है उसमें इंटरनेट कनेक्ट करके इस चीज़ को प्रैक्टिकल के देखिएगा तो ये चीज़ वर्क करता है। और देन हमारा जो है नेक्स्ट है वो है कंट्रोल प्लस एल, ठीक है। तो इस चीज़ को समझाने के लिए चलिए यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको टाइप करके दिखाती हूँ, जैसे ये हमने लिखा, ठीक है। तो ये एम एस वर्ड जो है ये मान लिया जाए हमारा ये सेंट्रल पे, चलो इसको हम सेलेक्ट करके कंट्रोल ई करते हैं, ये तो ये चला जाता है सेंटर पे। तो ये सेंटर पे तो हमें इसको लेफ्ट साइड लाना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस एल प्रेस करेंगे तो आप देख पा रहे हैं ये अपना लेफ्ट साइड में आ गया। तो इस चीज़ वर्क करता है कंट्रोल प्लस एल का। देन हम जाएंगे जो हमारा नेक्स्ट है वो है कंट्रोल प्लस एम। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे कर देते हैं कंट्रोल प्लस एम।
तो उसके लिए गाइस पहले तो आपको डेटा को सिलेक्ट करना होगा, जिस भी डेटा में आपको कंट्रोल प्लस एम का शॉर्टकट अप्लाई करना है। तो चलिए मान लिया जाए हमें ये वाला डेटा को सिलेक्ट करना है। ओके, तो मैंने इसको कर दिया है और इसमें हमें वर्क करना है कंट्रोल प्लस एम का। तो आप देख पा रहे जैसे जैसे आप एम प्रेस करोगे ना कंट्रोल प्रेस करके, ये छोटा होते जा रहा है और ये एक साइड होते जा रहा है। तो आप सोचोगे ये तो कोई काम का है नहीं, बट मैं आपको याद दिलाना चाहूँ, जैसे हमारा ये एक पेज है, मान लिया जाए एक लेटर ही है ये। ओके, तो जैसे हम यहाँ पे मतलब अपना सिग्नेचर यहाँ चाहते हैं, तो जैसे मान लिया जाए हमने यहाँ पे कुछ लिखा, ठीक है गाइस, जैसे हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं, जैसे मैंने अपने चैनल का नाम लिखा है जो कि आप सबों को पता है लर्न विद श्वेता, ठीक है, और यहाँ पे हमने अपना नाम को लिखा और इसमें हमें एक सिग्नेचर की ज़रूरत है। तो ये जो सिग्नेचर के लिए यहाँ पे तो सही नहीं रहेगा, आप इसको इधर साइड में रखोगे। तो आप इसको नॉर्मली तो कैसे करोगे, यहाँ पे कर्सर रख करके आप स्पेस बटन की मदद से ऐसे करोगे, बट ये जो बाद में आपका जो सेटिंग है वो गड़बड़ा जाता है या फिर मतलब ये इधर उधर हो जाता है, तो वो चीज़ ना हो इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो हमारा जो डेटा है जितना भी आपका बड़ा है इसको चलो पहले जैसे था वैसे कर देते हैं कंट्रोल जेड से, देन इसको हमें सेलेक्ट करना है और हमें कंट्रोल प्लस एम प्रेस करना है। जितना आपको चाहिए उतना आप कंट्रोल एम प्रेस करते जाइए। तो आप देख पा रहे ये चला गया अपने जगह पे जहाँ हम उसको रखना चाहते हैं। तो आप सोच रहे होंगे ये जो एस है ये तो बस ऐसे ही है, सेंटर में नहीं है ये वो, तो आपको ध्यान होगा कि सेंटर के लिए हमारा जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल प्लस ई। तो चलिए हम कंट्रोल प्लस ई प्रेस करेंगे, तो आप देख पा रहे हैं ये दोनों सेंटर में आ गया और ये जो नाम है जो ये भी सेंटर में आ गया। तब यहाँ पे रख करके हम यहाँ पे इसका सिग्नेचर ले सकते हैं। तो इस चीज़ का काम में आता है हमारा कंट्रोल प्लस एम। ओके, देन हमारा जो नेक्स्ट है गाइस वो है एन। तो हम चलते हैं कंट्रोल प्लस एन प्रेस करेंगे, तो इस चीज़ से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा न्यू जो डॉक्यूमेंट है या न्यू पेज है वो ओपन हो गया है। इस चीज़ पे आप कुछ भी वर्क कर सकते हो। और आप देख पा रहे हैं जो पहले वाली जो पेज है वो यहाँ पे ओपन हो रखी है, और जैसे ही हमने कंट्रोल प्लस एन करा ये जो हमारा न्यू पेज है वो ओपन हो गया। तो चलिए हमें न्यू पेज का तो इस वक्त कोई काम नहीं है, तो इसको हम कर देते हैं क्लोज, और जिस पे वर्क कर रहे हैं उस पे हम आते हैं वापस। देन हमारा नेक्स्ट है वो है कंट्रोल प्लस ओ, जिससे हमारा ओपन होता है फाइल। तो चलिए हम उसको प्रैक्टिस करके देखते हैं फिर से। तो हम यहाँ पे अपना जो कीबोर्ड है उस पर करेंगे कंट्रोल प्लस ओ। तो जैसे हम कंट्रोल प्लस ओ करते हैं तो वैसे ही हमारा ये जो फाइल वगैरह है ये ओपन हो जाते हैं, और यहाँ पे हमारे काफ़ी सारे हैं, जैसे डिस पीसी से आपको ओपन करना है तो इस पर आप कर सकते हैं, या डेस्कटॉप से, कुछ भी कहीं से भी। जैसे मान लीजिए मैंने डेस्कटॉप से करा, फिर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो मैंने फाइल बना रखा है ना, वो चीज़ पे क्लिक करके डबल क्लिक करके आप कोई सा भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो ये था हमारा कंट्रोल प्लस ओ का कमाल। ओके गाइस, देन हम जाएंगे नेक्स्ट जो है हमारा कंट्रोल प्लस पी। तो आप सभी जानते हैं कि कंट्रोल प्लस पी से हमारा करता है जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है प्रेजेंट डॉक्यूमेंट जिस पे हम वर्क कर रहे हैं उसको हम चाहते हैं कि हम प्रिंट करें, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस पी प्रेस करना पड़ेगा अपने कीबोर्ड से, और इस तरह का जो पेज है वो हमारे सामने ओपन होके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा प्रिंट के लिए डॉक्यूमेंट्स सॉरी पेज ओपन हो गया है, इससे यहाँ पे देखो कॉपी है, कॉपी आप कितना पेज निकालना चाहते हैं अपने हिसाब से यहाँ पे आप उसको सेटिंग कर सकते हैं, और यहाँ पे जितने भी आपके प्रिंटर हैं है ना जो एक्टिव हैं वो यहाँ पे ओपन होंगे, और प्लस यहाँ पे जो आपका पेज का सेटअप है कि क्या क्या है ना यहाँ पेज सेटअप में जा कर के। तो ये था हमारा कंट्रोल पी का, जिसे हम जो लेटेस्ट पेज है जिस पे आप वर्क कर रहे हैं वो आपको करके देता है ओपन। ओके गाइस, देन हम जाएंगे नेक्स्ट जो है हमारा वो है कंट्रोल प्लस क्यू। तो चलिए पहले हम कोई भी डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करते हैं फिर देखते हैं कंट्रोल क्यू का काम क्या है। तो जैसे मान लिया जाए हमने इस डेटा को करा सिलेक्ट,
देन हम यहाँ पे करेंगे कंट्रोल प्लस क्यू। ओके, तो ये हमें क्या करने देता है, रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, है ना। जैसे हमने ये जो पैराग्राफ है इस पर कुछ वर्क करके करा है, जैसे मैं अब समझाती हूँ एग्जांपल के साथ। जैसे हमने इसको बोल्ड करा है और चलो हम इसको कलरफुल बना देते हैं, और थोड़ा सा ये जो डिजाइन वगैरह है ना लेटर वगैरह का, इसको भी करके देखते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए, कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। ओके, देन इसको थोड़ा सा हम इटैलिक कर देते हैं, ठीक है। देन गाइस जब हम नेक्स्ट जाएंगे तो हम देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट है वो है कंट्रोल प्लस आर। ओके, तो कंट्रोल प्लस आर से हम देखते हैं, कंट्रोल प्लस आर हम प्रेस कर रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं जो हमारा हेडिंग है एमएस वर्ड का वो चला गया राइट साइड, और अगर हम कंट्रोल प्लस एल प्रेस करते हैं तो ये आ जाता है लेफ्ट साइड, और कंट्रोल प्लस ई प्रेस करेंगे तो ये जाएगा सेंटर पे। ओके, और देन जो हमारा नेक्स्ट है वो है कंट्रोल प्लस एस, तो कंट्रोल प्लस एस से हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है उसको सेव करता है जिसमें हम अभी करंट वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको जिस भी फाइल में अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको सेव करना है, सेव करना है उसको पहले आप सेलेक्ट कर लो, देन उस पर आप कोई भी नाम दे करके आप सेव पे क्लिक कर सकते हो। ओके, देन हम जो नेक्स्ट आएंगे वो है हमारा कंट्रोल प्लस टी, तो आप कंट्रोल प्लस टी से देख रहे हैं, जैसे हमने कंट्रोल प्लस टी करा आप देख पा रहे हैं ये जो पैराग्राफ है सारे एक साइड से जा रहे हैं, मतलब क्रिएट हैंगिंग इंडेंट होता है ना, ये जो फॉर्मेट है हमारा वो चेंज हो जाता है। तो दोबारा से नॉर्मल करने के लिए हम यहाँ पे कंट्रोल प्लस जेड प्रेस करते हैं। ओके, देन गाइस हम जाएंगे अगला जो हमारा शॉर्टकट है वो है कंट्रोल प्लस यू। इस चीज़ से ये होता है जैसे आपको यहाँ पे कोई एक मतलब जो वर्ड है या मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो भी सेंटेंस है उसको आपको हाईलाइट करना है, तो उसके लिए आपको करना क्या है, जैसे मान लिया जाए हमें ये वाला जो लाइन है ये मुझे हाईलाइट करना है, तो उसके लिए हम करेंगे क्या, कंट्रोल प्लस यू प्रेस करेंगे, तो आप देख पा रहे हैं ये जो हमारा जो लेटर है या फिर आप शब्द कह सकते हैं ये अंडरलाइन हो गया है, मतलब ये हाईलाइट हो गया है, ठीक है गाइस। तो ये काम करता है हमारा कंट्रोल प्लस यू से, और फिर आपको उसको हटाना है तो फिर से दोबारा कंट्रोल प्लस यू प्रेस करना है। ओके, देन हम जाएंगे नेक्स्ट जो हमारा कंट्रोल प्लस वी, जिससे हम पेस्ट का काम करते हैं, जैसे हमें कोई भी जो वर्ड है कोई एक वर्ड है उसको हमें बार बार चाहिए, जैसे मान लिया जाए ये जो वर्ड है इसको हमें काफ़ी समय बार चाहिए, तो बार बार तो हम इसको टाइप करेंगे नहीं, तो इसको हम कंट्रोल सी से कॉपी करके और जहाँ भी आपको चाहिए वहाँ पे माउस रख के कंट्रोल प्लस वी कर सकते हैं, तो आप देख पा रहे हैं ये काफ़ी समय बार एक ही चीज़ रिपीट हो जा रहा है। ओके, देन हम इसको कर देते हैं रिमूव, क्योंकि ये बस एग्जांपल के लिए था। देन हम जाएंगे जो हमारा नेक्स्ट है वो है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, तो चलिए देखते कंट्रोल प्लस डब्ल्यू करके क्या आता है। तो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि मतलब जो आप डॉक्यूमेंट है उसको मतलब क्लोज करना चाहते हैं या फिर क्या, या फिर आप उसको सेव करना चाहते हैं, तो हमें यहाँ पे कुछ करना नहीं है। जैसे आपको डॉक्यूमेंट सेव करना है तो आप सेव पे क्लिक कर दो, और नहीं सेव करना है तो उसको डोंट सेव पे क्लिक करो, और बाय मिस्टेक आपसे ये बटन क्लिक हो गया है तो आप कैंसिल कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम इसको कर देते हैं कैंसिल, और देन हम जाते हैं नेक्स्ट जो हमारा है कंट्रोल प्लस एक्स, जो हमारा कट का काम करता है। जैसे यहाँ पे हमें ये वाला जो वर्ड है इसको रिमूव कर देना, इसको हटाना है, तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस एक्स प्रेस करेंगे, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ का जो वर्ड है वो रिमूव हो गया है। ओके, देन जो हमारा लास्ट है वो है कंट्रोल प्लस वाई एंड कंट्रोल प्लस जेड, तो उसके लिए हम सबसे पहले जेड से शुरू करेंगे, है ना। तो जैसे हमें यहाँ पे कुछ लिखना है, ठीक है, लिखते लिखते फिर हमें याद आया कि अरे ये तो नहीं होना चाहिए, तो हमें इस चीज़ को एक बार में ही रिमूव करने के लिए मतलब जैसे पहले पैराग्राफ था वैसे लाने के लिए कंट्रोल प्लस जेड प्रेस करना पड़ेगा। तो आप देख पा रहे वो चीज़ हट गया, और जितना तक पैराग्राफ था मतलब पहले से हमने जो भी डेटा को बना रखा था वो वहाँ पे जाके आ गया, और हम
और कंट्रोल वाई से ये होता है, रेडो होता है, उससे हम चाहते हैं कि नहीं जो हम कर रहे थे वही सही है, तो उसके लिए हमें कंट्रोल प्लस वाई प्रेस करना है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने जो भी टाइप किया था वो दोबारा से आ गया। तो इस तरह से गाइस आप एमएस वर्ड के शॉर्टकट का यूज करके अपने जो वर्क है उसको बहुत ही स्मूथ और फास्ट कर सकते हैं, और जो आपकी टाइमिंग है उसकी आप काफ़ी बचत कर सकते हैं। तो गाइस मैं आशा करती हूँ इस वीडियो से आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।